हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि सिंगल कैमरा जो आप प्राइवेसी रखना चाहते हो तो उसमें स्विच में कैसे सेट कर सकते हो। मतलब कि आपको अगर कभी प्राइवेसी चाहिए तो सिंगल स्विच से आप जो कैमरा है उसकी रिकॉर्डिंग या फिर वीडियो वो स्टॉप कर सकते हो। तो कई यूजर के मुझे जो है मैसेजेस आ रहे थे कि सर इसमें जो है रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप करे, कैमरा कभी भी हमें जो है स्टॉप करना हो, बंद करना हो तो कैसे बंद करे। तो इस ये जो वीडियो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा मैं इसके ऊपर बना रहा हूँ कि आपको मैं 8 या 10 ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे आप जो है कैमरा का रिकॉर्डिंग और लाइव वीडियो जो है वो बंद कर सकते हो। पहले ही मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, ना ही कि आप उसका मिसयूज करें। तो स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे चैनल टेक्निकल रियाज में, और वीडियो आपको फ्रेंड्स अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर से प्रेस करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई कैमरा या फिर DVR जो है उसको ऑफ करने के लिए आपको उसका बेसिक जो है वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने जो एक सेटअप किया हुआ है पूरा का पूरा, उसमें मैंने जो एक कैमरा है वो यहाँ पे स्टार्ट किया है, और ये हमारा जो वीडियो रिकॉर्डर मतलब DVR है, ये हमारा कैमरा का पावर सप्लाई है, ये हमारा कैमरा है। ओके, उसमें जो है कनेक्शन किस तरह से लगते हैं, हमारा एक 3+1 वायर होता है, और यहाँ से जो ब्लैक कलर का वायर है वो वीडियो का वायर है, उसमें वीडियो का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पे पिन बना के दिया हुआ है, और दूसरा दो वायर जो है उसमें हमने पावर दिया है जो यहाँ से हमारे कैमरा तक जाता है, तो उसमें भी दो पावर है। रेड कलर वाला जो है वो पॉजिटिव है, और यहाँ पे दूसरा जो है ब्लैक होगा या फिर ब्लू होगा कोई भी, वो हमारा नेगेटिव वायर होगा। ओके, सेम टू सेम कनेक्शन यहाँ हमारे कैमरा साइड भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो जैसे वीडियो का वायर हमने DVR साइड बनाया था इसी तरह पे बिल्कुल सेम टू सेम है। ये हमारा वीडियो का पॉजिटिव वायर है, वीडियो का नेगेटिव वायर है, ये हमारा पावर का पॉजिटिव है और ये हमारा पावर का नेगेटिव है, और कुछ इस तरह से जो है हमारी पिन कैमरा साइड होगी और इस तरह से जो है हमारी DVR साइड पिन होगी। ओके, तो सबसे पहले जो ट्रिक है इसे बंद करने की वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ से आपका जो DVR है उसका मेन पावर यानी कि यहाँ से DVR का जो पावर सप्लाई में से लगा हुआ है मेन पावर, यहाँ से आप रीड भी कर सकते हो DC 12 वोल्ट। कभी भी आप इस पिन जो है यहाँ से उसको निकाल दोगे तो हमारा जो है पूरा का पूरा DVR बंद हो जाएगा, मतलब आपका लाइव व्यू और रिकॉर्डिंग दोनों बंद हो जाएगा। जिस टाइम तक आपने ये पिन निकाल के रखा है उस टाइम ना तो रिकॉर्डिंग में लाइव व्यू आएगा और ना ही जो है हमारा रिकॉर्डिंग भी होगा। ओके, सबसे पहला, उसके बाद यहाँ से अगर आप DVR को ऑन रखना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ आपको कैमरा बंद करना है, तो यहाँ से कैमरा का जो पिन है DVR साइड से वो यहाँ से आपको इसे घुमा के निकाल लेना है। जैसे ही आप घुमा के निकालते हो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा जो लाइव व्यू है वो बंद हो चुका है, लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट है। तो कई लोगों का ये कहना है कि हमारा जो लाइव व्यू बंद है मतलब रिकॉर्डिंग में वो दिखेगा या नहीं, तो फ्रेंड्स रिकॉर्डिंग होगा मतलब आपका जो व्यू है वो नहीं दिखेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिक्योर है मतलब आपके पास जो भी DVR है उसका लोगो यहाँ पे दिखेगा। ओके, ये हमारा हो गया दूसरा ट्रिक। यहाँ से मैं वापस जो है कैमरा लगा देता हूँ। उसके बाद हमें DVR साइड से आप कुछ भी अवेलेबल नहीं है ट्रिक यहाँ से, तो आप कैमरा साइड से भी कर सकते हो। यहाँ से कैमरा में जो है वीडियो का पिन कैमरा साइड से यहाँ से आप निकाल लोगे तो कैमरा का जो लाइव व्यू है वो वीडियो बंद हो जाएगा, मतलब आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट है लेकिन उसका जो व्यू दिख रहा है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, उसके बाद कैमरा साइड से ही दूसरा यहाँ से जो पावर का पिन है, पावर का पिन आप निकाल लोगे फ्रेंड्स कभी भी तो क्या है कैमरा में जो पावर ही नहीं जाएगा तो कैमरा भी अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम सिचुएशन है, हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो हो रहा है लेकिन व्यू जो है वो रिकॉर्डिंग में नहीं सेव होगा, मतलब जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है इस लोगो से लोगो ही सिर्फ रिकॉर्डिंग में दिखेगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है पावर सप्लाई। यहाँ से पावर सप्लाई जो है आप कभी भी उसमें यहाँ से पॉजिटिव वायर जो है वो निकाल दोगे पावर सप्लाई में से तो भी जो आपका कैमरा है वो बंद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा लेकिन आपका जो कैमरा है उसका व्यू नहीं हो आएगा रिकॉर्डिंग में। ओके, और वापस जब आप उसको लगा दोगे तो आपका जो लाइव व्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। मैंने वापस लगा दिया,
को जो है पावर मिल गया है तो हमारा कैमरा जो है चालू हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट और इजी ट्रिक है हमारा हमारा जो पावर सप्लाई है उसका मेन पावर या तो आप बंद कर दो, यहाँ से उसका जो पावर का पिन है वो निकाल लेंगे तो आपका क्या होगा, पावर सप्लाई बंद हो जाएगा और कैमरा भी जो है लाइव व्यू नहीं देगा। तो इस तरह से भी आप जो है अपना कैमरा बंद कर सकते हो। यहाँ से मैं उसको वापस लगा देता हूँ। ये सब ट्रिक था हमारा कैमरा और पावर और वीडियो के पिन का। ओके, अब कभी भी आपको ऐसा करना है कि आपका जो है रिकॉर्डिंग भी नहीं चाहिए, लाइव व्यू भी नहीं चाहिए, पूरा का पूरा जो सिस्टम भी बंद हो जाए, तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारा पावर सप्लाई का वायर और ये जो है हमारा DVR का वायर दोनों पावर में लगे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से आप पावर सप्लाई का वायर खींच लोगे तो कैमरा को पावर मिलना बंद हो जाएगा तो उसका व्यू नहीं आएगा। और दूसरा जो है DVR का वायर, अगर मेन बोर्ड से ही आप ये दोनों पावर सप्लाई को निकाल लोगे फैन तो आपका DVR और पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा। जब तक आप इसको वापस नहीं लगाओगे तब तक आपका जो है कैमरा और रिकॉर्डिंग दोनों ही बंद रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको दिखाया है। और जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था, इसका जो कोई मिसयूज़ करे, इस वीडियो में ऐसा बिल्कुल ट्रिक नहीं दी गई है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्राइवेसी चाहिए, रिकॉर्डिंग और कैमरा लाइव भी बंद करना हो, इसका ही जो है कैसे कैसे बंद होता है एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है। तो ये सारी ट्रिक्स थी फ्रेंड्स। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल में ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।